ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में यही पहना जाता है, ये सनातनियों का ड्रेस है। खुशी की ये बात है कि इस समय नगर निगम भी इस आयोजन में सम्मिलित है, पहली दफा इसको शासकीय रूप से भी सहयोग किया जाए। थोड़ा सा भी कुछ हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है तो हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। आज भिलाई नगर में भव्य जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित हो रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। इस दौरान अलग अलग नेता भी और अलग अलग कमेटी के लोग मौजूद हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर कोई भी भक्त बिना प्रसाद के वापस ना जाए, प्यासा ना जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए हर एक चौक चौराहे में यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, पानी और शरबत साथ ही साथ प्रसाद भी बांटा जा रहा है। तो आइए चलते हैं, लोगों की इस पूरे भव्य शोभा यात्रा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, इस रथ यात्रा को लेकर उनकी क्या मान्यता है, ये जानते हैं और जानेंगे कि आज भिलाई नगर किस तरह, भिलाई नगर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी का दिव्य रथ यात्रा प्रारंभ होने ही वाली है और इस बार जो है जो बहुत पहले जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है जनरली बरसात दिनों में होता था, इस बार आषाढ़ के महीने में हो गया और इस बार और भी ज़्यादा संख्या में लोग हर्षोल्लास के साथ में यहाँ जगन्नाथ जी के फेस्टिवल के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और रथ यात्रा हमारे सेक्टर से जगन्नाथ मंदिर से सेंट्रल एवेन्यू होते हुए गुंडीचा मंदिर ए मार्केट की ओर प्रस्थान करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं लोग मग्न होकर नाच रहे हैं और रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर नाच रहे हैं और रथ यात्रा में शामिल हुए हुए हैं। जी देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यहाँ पर महिलाएं एक गोल बनाकर बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में मग्न हुई नाच रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करूंगी, साथ ही साथ भगवान श्री जगन्नाथ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। महिलाओं में, हर वर्ग के बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग भगवान श्री जगन्नाथ के भक्ति में मग्न नजर आ रहे हैं। बहुत सालों से हूँ मतलब, और हरे कृष्ण मूवमेंट से मैं 12 साल से जुड़ी हूँ और रथ के साथ में हम लोग कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा है। इस बार क्या अलग देखने को मिला है? इस बार क्या अलग देखने को मिल रहा है आपको? अलग मतलब अब सारी पब्लिक मतलब क्या होता है कि भगवान से ज़्यादातर जुड़ी हुई है और सभी को इंजॉय कर रहे हैं। कैसा महसूस करिए आप? मैं देख रही थी आप नाच भी रही थी, बहुत अच्छा। मैं हरे कृष्ण मूवमेंट अक्षय पात्र से जुड़ी हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मैं देख रही थी आप बिल्कुल मग्न होकर नाच रही थी और आपकी आज वेशभूषा भी बहुत खूबसूरत लग रही है, क्या बताना चाहेंगे अपनी वेशभूषा के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो हर साल होता ही है, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है जगन्नाथ स्वामी का, तो बस हरे कृष्ण। कुछ अलग तरीके से आज आपने जो पहना है इसके बारे में क्या खास है? ये गोपी ड्रेस है, इसको ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में यही पहना जाता है, ये सनातनियों का ड्रेस है और हम हर त्यौहार में ज़्यादातर तो हमें यही पहनना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वजह से हम लोग दूसरे ड्रेसेस में चले जाते हैं, लेकिन ये हमारा ट्रेडिशनल वे है ऑफ ड्रेसिंग। रथ यात्रा के बारे में है कि यहाँ बहुत धूमधाम से निकाली जाती है, जैसे जगन्नाथ पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है ना, तो थोड़ा ही सा यहाँ कम होगा, बाकी इतना उत्साह रहता है ना कि जगन्नाथ के लिए लोग दूर दूर से यहाँ भी आते हैं और बहुत ही अच्छा होता है प्रोग्राम और बहुत लंबा है, कम से कम अभी 5-6 किलोमीटर तक घूमेगा। बाकी साल से इस साल आपको क्या अलग नजर आया?
बाकी इस साल ये नजर आया है कि इस साल जो है भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी बारिश ना होने के चलते, और इस साल जो है पूरा भी अच्छे धूमधाम से चलते रहेगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार बाकी हर साल में जो यात्रा निकलती है उससे क्या अलग है? देखिए, ऐसा है कि हर साल की तरह इस साल भी पूरे भिलाई वासी यहाँ पर उपस्थित हैं, जगन्नाथ स्वामी के आशीर्वाद लेने, उनका दर्शन करने हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। खुशी की ये बात है कि इस समय नगर निगम भी इस आयोजन में सम्मिलित है। पहली दफ़ा इसको शासकीय रूप से भी सहयोग किया जा रहा है और निश्चित रूप से हम लोग भी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, तो और बेहतर पहले से व्यवस्थाएँ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक शुरुआत है। आपको साल दर साल इसको और बेहतर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने इस भगवान के कार्य में हम लोग भी अपनी उपयोगिता सब कुछ इसमें ला सके। इसे भव्य बनाने की कोशिश कितनी सफल हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भव्य तो ईश्वर का कार्यक्रम है, भव्यता तो है ही इसमें। हम लोग तो इसमें अपनी छोटी मोटी आहुति दे रहे हैं और हम कोशिश करेंगे और इसी तरह हम ईश्वर के कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहे। महापौर नीरज पॉल भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ बल्कि और सालों से बहुत ज्यादा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भगवान जगन्नाथ प्रभु की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे और गर्मी, बारिश, ठंड ये सब आस्था के बीच में कभी भी नहीं आते। आपने देखा है जिस उल्लास से लोग आज इस इतनी भीषण गर्मी के बाद भी दोपहर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि भगवान का रथ कब आए और हमको सबको दर्शन करने का अवसर मिले, और इसका हम लोगों का अगर थोड़ा सा भी कुछ हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है तो हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको इस हवन में थोड़ी सी आहुति करने को मिला। नगर निगम द्वारा क्या कुछ तैयारियाँ की? नगर निगम जो जनता की सुविधा के लिए, भिलाई नगर निगम की जो पब्लिक है, जो क्षेत्र की जो निवासी हैं, ये जो यहाँ पे खड़े हैं, इनके लिए इस गर्मी में हम ठंडा पानी पिला सकें, थोड़ा बहुत जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, नगर निगम के जो हमारे साधन संसाधन है उसके माध्यम से जो पानी पिलाने का रास्ता पूरे दोनों रथ जो एक सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर से सेक्टर 4 जगन्नाथ से चल रहा है उसके साथ पानी की व्यवस्था है हमारी। रोड पे भी पानी, क्योंकि रोड इस समय तपा हुआ और लोग पैदल रथ को नंगे पैर खींचते हैं, तो कोशिश है कि उसको हम लोग जो सुविधा रथ खींचने के लिए जितने भी श्रद्धालु हैं उनको जो सुविधा हम लोग नगर निगम के माध्यम से दे सकते हैं वो प्रयास। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, टेक्निक नई भरोसा पुराना, एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,